180x plus 1184 equal to 0. बड़े प्यार से बच्चों 4 कॉमन ले लो, आराम से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लोगे 4 बाहर आएगा, यहां क्या बचेगा x square, यहां पर कितना बचेगा 45, 4 का डिवाइड कर दो बच्चों 296 आएगा, plus 296 equals to 0, 4 को 0 के नीचे ले जाओ डिवाइड में, 0 खत्म हो जाएगा, 0.4 0 ही बनेगा, तो ये इक्वेशन आपके पास आ गया। अब लगेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे दो नंबर चाहिए आपको जिनका मल्टीप्लाई करने पर 296 और सम करने पर -45, बोलो हाँ, सम करने पर 2 ना, मल्टीप्लाई करने पर 296 और सम करने पर 45, वो नंबर है माइनस का 37 और माइनस का 8। आपके मन में सवाल होगा कि सर हमको नहीं पता ये नंबर, हम कहां से जान पाएंगे, है ना, तो मैंने कल मेथड बता रखी है आपको, आइए एक बार फिर से उसी मेथड को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फैक्टर मेथड है ना, मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 296, केवल इसको पकड़ो जोड़ी का अपन बना लेंगे, ठीक है ना, तो 296 को अपन ने डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से फिर से जान दो 2 7 14 और कितना 74, 2 से कितने जान दो 77, भाई अब तो जा नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है बेचारा, तो कितना हो गया 1, चलो जोड़ी बनाते हैं, 1 को 37 छोड़ दो और 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना 8, तो 1 है 8 और 1 है 37, चला जुगाड़ जमाओ देखो 45 हो रहा क्या, हाँ, माइनस का 37 और माइनस का 8, बिल्कुल सही, होगा माइनस का 45, तो जो अपन नंबर बनाएंगे वो बनाएंगे माइनस का 37 और माइनस का 8, ये तो बहुत सरलता से आ गया, है ना, तो चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस 37 माइनस 8 माइनस 37 x कॉमन ले लिया, x माइनस 37 माइनस 8 कॉमन लिया, x माइनस 37 ये और ये कॉमन आ गया, ये लिख दिया x माइनस 8 x इक्वल टू 37 x इक्वल टू 8। अब देखो ये दो चीजें, दो आंसर आए हमारे पास, एक आया है x इक्वल टू 37 और x इक्वल टू 8, x क्या है जो लेंथ आपने काटी थी, अब अगर 37 काटोगे तो आपके पानी की बेंड बच जाएगी क्योंकि तला भी नहीं बचेगा बेचारा, अब आपके पास देखो हालात ये थे कि 40 की ब्रेड्थ थी आपके पास, बोलो हाँ या ना, ब्रेड्थ कितने की थी 40 की, ये 40 की ब्रेड्थ थी और आपसे कहा गया x काटो इधर से, x काटो इधर से, तो 37 इधर से काटा, 37 इधर से काटा, टोटल कितना काट लिया अपन ने 74 है ना, 37 का डबल 74 और लेंथ कितनी मौजूद है अपने पास 40, तो 40 में से कहां से काट लोगे भाई, दूसरे के फ्रंट पे थोड़ा ना चल बैठेंगे अपन, है ना, तो 37 नहीं काट सकते हो, तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा x equal to 8, समझ में आया, तो यस, क्योंकि अगर आप यदि इसमें 37 काटते हो तो इन लोग मैंने ब्रेथ का बता दिया, लेंथ का बता रहे हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी 50 माइनस 7 उसका डबल 74, तो ये माइनस कभी पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा x equal to 8, नोट करिए आंसर x equal to 8, ठीक है x equals to 8, यस आंसर x equal to 8, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, तो पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ बतानी है, अभी तो केवल लेंथ निकली है, हाँ अभी तो x आया ना, अब हमको लेंथ बतानी है, लेंथ कितनी आई थी 50 माइनस 2x, लेंथ आई थी पॉन्ड की 50 माइनस 2 इनटू x, 50 माइनस x को क्या स्वीकारा आपने 37 या 8, 8 x को 8 स्वीकारा है, तो 8 इनटू 2 कितना बच्चों 16, 50 में से 16 गए कितना हुआ 34 होगी लेंथ, और ब्रेथ कितनी होगी 40 माइनस 16 कितना होगा 24, लिखिए तालाब की लंबाई है 34 यानी 34 और चौड़ाई है 24, हाँ काम ना एनी प्रॉब्लम, क्लियर है, तो ये हमारे पास 34 और 24 इसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई,